हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बना रहे हैं चॉकलेट की गोभी कढ़ाई। में तो मैंने लिया है यहाँ पर एक बड़ा चम्मच ऑयल, उसमें मैंने एक कटोरी जो है शुगर ऐड की है। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब मिक्स हो जाते हैं तो इसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी आधा कटोरी जो है दही, या एक कप भी आप दही यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर दही डाली और वापस से इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। जब मिक्स हो जाती है इसके बाद आपको क्या करना है, एक हैप्पी हैप्पी बिस्किट लेना है, या फिर आप चॉकलेट वाला कोई सा भी आप बिस्किट ले सकते हो, और इसका जो है हमें पाउडर बना लेना है। आप देख सकते हो बन गया है। अब ये जो है इस मिक्सचर में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें इसके अंदर डालनी है मैदा। तो मैं यहाँ पर एक कटोरी मैदा ले रही हूँ और इसको जो छान के इसके अंदर मैं डाल दूँगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स तब तक करना है जब तक ये एकदम स्मूथ नहीं हो जाता, और क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है तो हमें इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पर मिल्क। तो मिल्क आपको एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और जहाँ पर हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, बस उसके बाद ये जो है दूध को डालना हम बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये स्मूथ होता जा रहा है। इसमें ना हमें मिक्स करते टाइम ही इसमें जो है हमें आधे चम्मच के करीब जो है, या 1/4 टेबल स्पून ना हमें इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देना है। खाने वाला सोडा जो होता है इसके अंदर डाल देना 1/4 टेबल स्पून, ठीक है। और मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद हमें इसके लिए ना एक बर्तन चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर सिल्वर का कटोरा ले रही हूँ। उसमें अगर आपके पास बटर पेपर तो ठीक है, वरना कागज़ के ऊपर आप जो है ऑयल लगा दें या बटर लगा दें, कुछ भी ठीक है। इसको चिकना कर लेना है तो मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ, ताकि जब हमारा केक तैयार हो ना तो ये आसानी से इसके ऊपर से हट जाए, केक इसके ऊपर चिपके नहीं बर्तन के, बस इसलिए, ठीक है। और साइड्स में भी जो है मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ। इसके बाद जो है हमें अपना बैटर जो हमने तैयार करके रखा है उसको इसके अंदर जो है ट्रांसफ़र कर देना है। हल्का सा टैप टैप करना है, उसके बाद ये हो गया। अब हम इसको किस तरीके से बेक करना है कढ़ाई में, तो आपको एक पुरानी कढ़ाई ले लेनी है, उसको चूल्हे के ऊपर रख देना है, गर्म होने देना है। थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच जो है नमक इसके अंदर डाल देंगे और उस नमक के ऊपर जो है इस कटोरे को रख देंगे। उसके बाद इसको जो है पूरे तरीके से कवर कर देंगे बर्तन से और ढक करके इसको ना 30 से 40 मिनट तक बेक होने देना है। इतना टाइम तो आपको लग ही जाएगा, इससे पहले नहीं होने वाला। 30 से 40 मिनट आपको 40 मिनट मान कर चलो आप, और 40 मिनट के बाद आप देख सकते हो। मैं इसको बीच बीच में चेक भी किया था। अब आप देख रहे हो जो चम्मच है ये कांटा एकदम क्लियर बाहर आ रहा है, इसका मतलब है केक तैयार है। और आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा स्पंजी बना था, हल्की सी गड़बड़ हो गई थी कि साइड से थोड़ा सा ना जल गया था, और कुछ भी नहीं, एकदम परफेक्ट बना था। बाकी अब इसको आप ऐसे भी खा सकते हो, ऐसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा और इसके अंदर कारीगरी करने वाली हूँ। मैंने लिया यहाँ पर एक चॉकलेट, इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको जो है मैं मेल्ट कर लूँगी। मेल्ट हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, या फिर ना आप यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम का यूज़ भी कर सकते हो। इसको कैसा भी बना सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। मैं चॉकलेट इसके ऊपर डाल दूँगी और अच्छे से इसके ऊपर जो है इसको फैला दूँगी। अब इसको ना आप और भी किसी भी चीज़ से अगर चाहो तो जो इसको गार्निश कर सकते हो इसको आप, ठीक है। अब ये मैंने इसको फैला दिया, इसके बाद मैं क्या करूँगी, बची हुई चॉकलेट को ना इसके ऊपर ग्रेट करके डाल दूँगी। ग्रेट कर दी इसके ऊपर। अब मैं इसको ना ड्राई फ्रूट से, मैं केवल बादाम से ना मैंने इसको बारीक बारीक कट किया, चारों तरफ इसकी बाउंड्री बना दी, फिर बीच में बना दी है। अच्छा लग रहा था खाने में, तो टेस्टी था ही, देखने में भी अच्छा लग रहा था। और आप बताना आपको कैसा लगे कि मैंने इसको कैसा, मतलब मैंने जो इसके साथ ये कारीगरी की कैसी लगी, आप ज़रूर बताना कमेंट करके। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हाँ के खा लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई वीडियो, मतलब नई रेसिपीज़ के साथ। अगर आप किसी चीज़ की वीडियो देखना चाहते हो, कोई रेसिपी आप जानना चाहते हो, तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। एंड प्लीज़ सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें, इससे हमें सपोर्ट मिलेगी।
और जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।